दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हराकर अब टीम इंडिया फाइनल की तरफ बढ़ चुकी है, जहां साउथ अफ्रीका जैसी एक और सभी मैच जीतने वाली टीम के खिलाफ भारतीय टीम यह फाइनल का महामुकाबला खेलेगी। और हिटमैन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में दो खतरनाक भूखे शेरों की तगड़ी वापसी करवा दी है, जिसे देख साउथ अफ्रीका की टीम के पहले ही पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताएंगे कप्तान रोहित शर्मा किन दो भूखे शेरों की वापसी करेंगे और क्या विराट कोहली फाइनल से बाहर होंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों 2024 में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 68 रन से हराकर सुपर हिट में जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था, तो वहीं इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली है। और भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का रोल सबसे अहम रहा है। अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है और ऐसे में अभी तक अपने सभी मैच जीत चुकी और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। दोस्तों ये मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच का आयोजन भारतीय समय अनुसार रात 7:30 बजे से होगा। दोनों टीमों के बीच ये फाइनल मुकाबला केनिंगस्टन ओवल स्टेडियम बारबाडोस में खेला जाएगा। दोस्तों इस बार न फाइनल में ऑस्ट्रेलिया है ना ही कोई ऐसी टीम जिससे भारतीय टीम को डरना चाहिए। साउथ अफ्रीका भी एक चोकर टीम है, तो भारतीय टीम इस मैच को जीतकर भारतीय टीम साल 2007 के बाद एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हिटमैन रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के विरुद्ध फाइनल के लिए भारतीय टीम को घातक प्लेइंग 11 को घोषित कर चुके हैं। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम की यह होगी खूंखार प्लेइंग 11। दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स। दोस्तों क्विंटन डिकॉक बेहद ही खतरनाक फॉर्म में है। इस साल उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए दो बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। तो वहीं रिजा हेंड्रिक्स ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक छोर संभालते हुए सेमीफाइनल में अफ्रीका को जीत दिलाई थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम। मार्करम बेहद ही आक्रामक फॉर्म में है और भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतने की राह में रोड़ा बन सकते हैं। एडन मार्करम ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 23 रन बनाकर अफ्रीका में फाइनल तक पहुंचाया था। वहीं इस वर्ल्ड कप में एडन मार्करम अपनी लाजवाब फील्डिंग के साथ साउथ अफ्रीका को दो मैच जिता चुके हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स। ये खिलाड़ी IPL में दिल्ली के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और अपने दम पर दिल्ली को कई मैच भी जिता चुके हैं। फाइनल में अगर ये चला जाता है तो भारतीय टीम के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद पांचवे और छठे नंबर पर आएंगे दो साउथ अफ्रीका के धुरंधर खिलाड़ी एनरिक क्लासेन और डेविड मिलर। ये दोनों ही खिलाड़ी बेहद ही खूंखार है। जहां मिलर ने 35 गेंद में शतक जड़ा हुआ है, तो वहीं क्लासेन ने तो IPL में सबको दिखा दिया था कि वो अपने दिन पर क्या कर सकते हैं। अब सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जॉनसन। दोस्तों ये खिलाड़ी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करता है। तो वहीं इस खिलाड़ी पर हिटमैन रोहित शर्मा की पैनी नजर होगी, क्योंकि सेमीफाइनल में मार्को जॉनसन मैदान पर मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो वहीं उन्होंने 3 ओवर में 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान को मैच हराया था। आठवें और नवें नंबर पर केशव महाराज और तबरेज शमसी आते हैं। ये दोनों स्पिनर गेंदबाज हैं और साउथ अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाने में इनका बेहद अहम योगदान रहा है। सेमीफाइनल में भी शमसी ने जहां 3 विकेट लिए थे, तो वहीं महाराज ने काफी किफायती गेंदबाजी करी थी। दोस्तों इसके बाद 10वें और 11वें नंबर पर आते हैं तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्किया। ये दोनों ही गेंदबाज अफ्रीका की जान है और अभी तक वर्ल्ड कप में इन दोनों ही तूफानी खिलाड़ियों ने अफ्रीका को मुश्किल समय में विकेट निकाल कर दिए हैं। सेमीफाइनल में भी इन दोनों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में नजर डालने के बाद अब जरा एक बार फिर हमारी प्यारी टीम इंडिया को देख लेते हैं, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा भी कई बड़े बड़े बदलाव फाइनल से पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो इस फाइनल में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए अब उन्होंने बड़े फैसले लेने में भी कोई कमी नहीं दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कैप्टन रोहित शर्मा के साथ अगले मुकाबले में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल भारतीय टीम ने शुरुआती सभी मुकाबलों में अब तक ऑलराउंड खिलाड़ी शिवम दुबे को आजमाया है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। वहीं पारी का आगाज करते हुए विराट कोहली भी कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में जायसवाल की वापसी से उन्हें भी अपना पसंदीदा तीसरा स्थान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में रोहित और यशस्वी की क्लासिकल जोड़ी हमें दोबारा अफ्रीका के खिलाफ तबाही मचाते हुए नजर आएगी, जो कि बिल्कुल सही फैसला माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 2 मैचों में उन्होंने विस्फोटक रफ्तार से 2 अर्धशतक जड़े हैं और टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले से क्या करने में माहिर हैं, ये तो किसी को बताने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हमें इस फाइनल की जंग में दोबारा से रोहित और यशस्वी का लेफ्ट हैंड राइट
राइट हैंड कॉम्बिनेशन टीम इंडिया को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर मैदान में उतरेगा। तो नंबर तीन के पायदान पर विराट कोहली अपने बल्ले से अपनी पुरानी फॉर्म तलाशते हुए दिखाई देंगे। किंग कोहली का तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बेहतरीन है और करोड़ों फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली फाइनल में एक बड़ी पारी खेले और टीम इंडिया को सालों बाद T20 विश्व कप का चैंपियन बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाए। वहीं अफ्रीका के खिलाफ मध्यक्रम की जिम्मेदारी विराट कोहली के साथ साथ युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर रहेगी। जी हाँ, पंत जारी टूर्नामेंट में काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ चौथी पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। वो अपने दिन पर हारी हुई बाजी भी जिताने का दम रखते हैं। ऐसे में पंत और सूर्या को पोजीशन जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो ये रहेगा टीम इंडिया का टॉप फाइव इंग्लैंड के खिलाफ। ऐसे में इस मिडल ऑर्डर के बाद कैप्टन रोहित शर्मा दो ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतर सकते हैं। इसमें हार्दिक पांड्या के साथ अक्षर पटेल का नाम कन्फर्म नजर आ रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन किया है। अक्षर पटेल ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से रन बनाए और गेंदबाजी में भी तीन विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। ऐसे में फाइनल में उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर खेलने वाले रविंद्र जडेजा का पत्ता टीम से साफ होने वाला है। उनकी जगह पर रोहित रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में मौका देने वाले हैं, ऐसा सबका मानना है, क्योंकि जडेजा T20 के कुछ खास खिलाड़ी नहीं है। उनका फॉर्म भी उनके साथ नहीं है। ऐसे में रिंकू रोहित के ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। वहीं अफ्रीका के खिलाफ शायद ही कैप्टन रोहित शर्मा अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की तिकड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। ये तीनों ही गेंदबाज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में कुलदीप और अर्शदीप का नाम शामिल है। ये तीनों ही कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब तक बुमराह ने दो मैन ऑफ द मैच जीते हैं, तो अर्शदीप से लेकर कुलदीप यादव का भी कमाल लाजवाब फॉर्म रहा है। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर निकालने का, वो भी इतना इम्पोर्टेंट मैच, तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये दो बड़े बदलावों के साथ अब टीम इंडिया अफ्रीका के खिलाफ फाइनल के महामुकाबले में अंतिम जंग करने उतरने वाली है। इसके हिसाब से भारतीय टीम के पास केवल एक तगड़ा गेंदबाजी का विकल्प मौजूद है। बल्लेबाजी में गहराई है और टीम इंडिया पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर और मजबूत नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।